मैं चाहती हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म और आए ताकि बाकी भी जो टैलेंट है यहाँ पे वो खुल के आए। मैं बहुत खुश हूँ मैंने आज यहाँ पे परफॉर्म किया। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद और मैं हूं साहिल नज़ीर वानी। नाज़रीन आपको बता दें नॉर्थ कश्मीर के सपोर्ट्स फील्ड पटन में आज यहां पर ग्रैंड म्यूजिकल इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। नाज़रीन को हम बताना चाहेंगे ये म्यूजिकल इवेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन आर्मी फॉलोड बाय 29 RR। तो यहाँ पर इस म्यूजिकल कंसर्ट सीजन सेकंड में कई सारे सिंगर्स आर्टिस्ट यहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। वादी कश्मीर के मशहूर जो आर्टिस्ट हैं सिंगर्स हैं जिनमें यहाँ पर मौजूद होंगे शफी सोपोरी, आबिद अलाही, वकार खान साइमा, जो अपनी अपनी प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। और यहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ लोगों की हमें देखने को मिल रही है जिसमें नौजवान है और काफ़ी सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ इस इवेंट में यहाँ पर मौजूद थी, अगर हम बात करें सब डिवीजन पटन की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे और दूसरी उस्ताद गुलाम रसूल माखूम था डिस्ट्रिक्ट बारामूला में। वाहिद एक आदमी था यहाँ से 20 साल 22 साल पहले जो इस उससे पहले छतरी गाते थे वहाँ के फनकार। So proud and it is so big honor for me always to share stage with all these legendary musicians from Kashmir Valley. Thank you sir. एक बात बताना चाहूँगा। चाहूँगा जितने हमारे खूबसूरत मेहमान हैं वो आज के हमारे मेहमान खसूसी का इस्तकबाल करें आपकी खूबसूरत तालियों के साथ। ख्वातीन हजरात श्री प्रीतपाल सिंह ओबराय जी सर के लिए in order to enjoy this entertainment session here at Government Degree College Patan. You can clearly see in the visuals as well too. Jai Prithpal Singh Oberoi, aaj ke is special event ke bare mein bataye. मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा शुक्रगुजार मैं हूं 29 RR CEO साहब का जिन्होंने ये आज फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में 20-22 साल के बाद ये प्रोग्राम यहां पे ऑर्गेनाइज हुई है। इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया हूं, इनका अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी लोगों का सबसे बड़ा मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने भाड़ी बीर में यहाँ पर शिरकत की और इस प्रोग्राम को हमारे पूरी तरह से सफल बनाया। और ये भी मैंने कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ये प्रोग्राम है अगर गवर्नमेंट हमारी इन प्रोग्राम को टाइम टाइम पे ऑर्गेनाइज करती रहेगी तो इससे जो हमारे बच्चे हैं यूथ हैं वो उनको अच्छी सीख मिलेगी और सबसे बड़ी बात है जो ये नशे वशे की तरफ जाते हैं इससे ये दूर रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ परफॉर्म करके। मैं चाहती हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म हमें और मिले ताकि हमारा जो टैलेंट है वो बाहर आए यूथ के जरिए, क्योंकि यहाँ कश्मीर के यूथ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है मगर आज तक दिखा नहीं है। मैं चाहती हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म और आए ताकि बाकी भी जो टैलेंट है यहाँ पर वो खुल के आए। मैं बहुत खुश हूँ मैंने आज यहाँ पर परफॉर्म किया। मैंने बहुत सारे जगह और भी किया है। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहूँगी कि यहाँ पर और ऐसे इवेंट्स हो ताकि हम भी अपना टैलेंट दिखाएँ और हमें रोज़गारी भी मिल जाए। आपने यहाँ पर परफॉर्म किया कैसा लगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी हमारे पटन के डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लड़के हैं। देखो यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो इंडियन आर्मी ही करवाती है हर जगह, जो श्रीनगर में होता हो या बांडीपुरा में या कहीं पे भी, तो ये इंडियन आर्मी का ही होता है जितना भी होता है। तो मैं सभी लड़कों से जो पटन की एरिया के हैं तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि वो कुछ सीखें, क्योंकि जितने भी सिंगर अभी आ रहे हैं वो श्रीनगर से आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोकल एरिया के मैं अपना बैंड शुरू करना चाहता हूं, मेरे को लड़के नहीं मिल रहे बैंड शुरू करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि वो आप फील्ड में आए। और अभी इंशाल्लाह हम यहां पे एक एकेडमी भी खोलने वाले हैं जहां पर हम संगीत का पूरा ये ज्ञान देंगे लोगों को और जिसका वो मन चाहे वो आ सकता है इसमें। मैं इस फंक्शन के लिए इतना ही बताना चाहूँगा कि आए दिन मेरी फंक्शनें अक्सर होती है और मैं समझता हूँ कि चाहे मैं शादियों में गाऊँ
या बड़े बड़े होटलों में गाऊं या बाहर किसी भी कंपनी मुझे कोई भी कंपनी मुझे बुलाए फंक्शन के लिए, उससे मेरा घर चलता है, मेरी लाइफ चलती है अल्लाह की मदद से। बट अगर ये फंक्शन है, इन फंक्शनों में जब भी मैं जाता हूँ मेरे जहन में यही मैसेज होती है कि मैं लोगों को कहूँ कि नशा मत करें, क्योंकि इन फंक्शनों में ज़्यादातर यूथ होता है। तो मेरे हिसाब से मेरी ये मैसेज, अगर इन में से अगर यहाँ 500 थे, 1000 थे, 2000 थे, 4000, 10000 थे, 10000 में अगर एक आदमी को मेरी बात दिल को लगेगी, अगर उसने नशा छोड़ दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत सवाब का काम है।